Good morning to all of you. We are discussing class 3rd EVS. Its third chapter name is Works Around Us. It's a part 2nd. We already discussed its part 1st in previous video. In this video, we are discussing next page of chapter 3rd. Okay? Now, mother, but the man at the tea shop is busy. He makes many cup of tea all day. Then he washes the vessels and cleans the shop as well. It means magar. Mother जो है वो बताती है अपने बच्चों को, मगर जो टी शॉप पे जो आदमी है वो चाय बना रहा है, तो वो दिन में काफ़ी सारी चाय जो है, जो मतलब टी है, वो काफ़ी सारी दिन में काफ़ी सारी टी बना लेता है, ठीक है, कप ऑफ टी बना लेता है। तो वो फिर वो क्या करता है, जब टी बनाने के बाद वीजल जो है उसके बर्तन जो है उनको धोता है, और धोने के बाद अपनी शॉप जो है उसको भी साफ करता है, ठीक है, क्लीन करता है उसे भी, जिसकी वजह से क्या हो, उसकी शॉप जो है साफ सुथरी लगे, ठीक है, गंदी ना लगे। सलोनी, आई गॉट माई साइकिल रिपेयर्ड एट दिस शॉप, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई साइकिल वेरी वेल। सलोनी कहती है कि मैं अपनी जो साइकिल है इस शॉप पे रिपेयर कराऊंगी, क्योंकि मैकेनिक जो है वो इसको अच्छी तरह से रिपेयर कर सकता है, मतलब सही कर सकता है। ब्रदर, फिर मदर बोलती हैं, सम ऑफ दीज जॉब्स हैव टू बी लर्न केयरफुली, दे रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, द टाइप ऑफ जॉब सम ऑफ दीज पीपल्स डू आर कॉल्ड स्किल्ड जॉब। मदर बताती हैं कि कुछ जो जॉब हैं वो अच्छी तरह से सीखी जाती हैं पहले, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, ठीक, हर टाइप की जॉब के लिए एक पर्सन को, एक स्किल पीपल को स्किल जॉब मिल पाती है, जैसे वो उसकी स्किल होगी उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल पाएगी, ठीक है, जैसे जिसमें वो ज़्यादा अपनी हॉबी ज़्यादा मतलब रुचि जिसमें दिखाएगा उसी टाइप की उसे जॉब मिल पाएगी। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, ठीक है, उसे सीखना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए उसे ट्रेनिंग लेनी होगी, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर बनने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी होगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, सीखना पड़ेगा जब वो स्किल जॉब कर पाएगा, ठीक है। प्रीति, देन द टेलर एंड कोबलर आर आल्सो ट्रेंड इज इट। फिर प्रीति कहती है कि ट्रेलर और कोबलर जो है ये भी ट्रेंड होते हैं, क्या ये सही है। मदर, यस यू आर राइट। सलोनी, द मैन क्राइंग दैट हैवी सैक ऑफ ग्रेन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रेनिंग इज इट इजंट इट। सलोनी कहती है कि जो मतलब जो आदमी बोरी उठा रहा है, ठीक है, क्या वो भी एक उसे भी एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग लेनी होगी, क्या ये सही है, सही नहीं है। तो मदर कहती है नो ही डजंट, द मैन हु इज स्वैपिंग इज आल्सो डूइंग एन अनस्किल्ड जॉब बट दे आल्सो वर्क वेरी हार्ड टू अर्न अ लिविंग। ये मदर कहती है नहीं, ये जो आदमी ऐसे जो स्वैपिंग कर रहे हैं उठा रहे हैं मतलब झाड़ू लगाने, ये अनस्किल्ड जॉब है, मतलब इन्हें तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी स्किल पर्सन होने के लिए ज़रूरत नहीं है, स्किल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, जैसे कोई बोरी उठानी है, ठीक है, और झाड़ू लगाना है, ठीक है, स्वैपिंग करना है, तो ये इसके लिए कोई स्किल लेने की जॉब या ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ सीखने या ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये भी एक हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क क्यों है, क्योंकि इसमें भी लोग अपने आप को जीवित रखने के लिए पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अर्न कर रहे हैं, इसलिए इनको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा इनको, ठीक है। देर आर अदर पीपल हु प्रोवाइड यूजफुल सर्विस लाइक डॉक्टर एंड नर्सेज हु टेक केयर ऑफ द सिक पीपल, द पोस्टमैन हु ब्रिंग लेटर एंड पार्सल फॉर अस, द पुलिसमैन हु टेक केयर ऑफ आवर सिक्योरिटी, ठीक है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स हैं, अब कुछ यूजफुल सर्विस हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, पुलिसमैन है, पोस्टमैन है, ठीक है, जैसे डॉक्टर और नर्स क्या हैं, वो हम लोग जब बीमार पड़ जाते हैं
तो डॉक्टर और नर्स के पास जाते हैं तो हमें वो सही कर देते हैं, ठीक है, वो हमारी टेक केयर करते हैं। पोस्टमैन वो हमारे लिए पार्सल लाता है और लेटर लाता है, ठीक है, और आपके पुलिसमैन जो वो आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। अब हम बात करें स्कूल की, इन द स्कूल, स्कूल में आप देखो, आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में हमें किस तरह से रहना चाहिए, कौन कौन लोग आपके मिलते हैं स्कूल में, किस किस टाइप के लोग होते हैं। जैसे वी कम टू द स्कूल फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, हम स्कूल क्यों आते हैं, स्कूल आने का कारण क्या है हमारा, स्कूल आने का कारण है कि हम वहाँ पे आके कुछ नया सीख सकें, ठीक है, कुछ चीज़ हमें नई सीखने को मिल जाए। अब वहाँ पे टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, ठीक है, पियोन होती है, ठीक है, आयाज होती हैं, गार्डनर होता है, ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल हमारे हेड होता है, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट का हेड होता है, स्कूल का हेड होता है, स्कूल के हेड जो है वो प्रिंसिपल होती हैं। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं तो वो क्या है, आपके हेड हैं, मतलब सारी जो चीज़ें हम वो प्रिंसिपल के अंडर में आते हैं, ओके, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथिंग रनिंग ऑफ द स्कूल, ही या सी जो भी हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किस स्कूल को किस तरह से चलाया जाता है, ठीक है, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं स्कूल को चलाने के लिए। वी हैव मैनी टीचर्स, हमारे पास टीचर भी होते हैं, जैसे हमें टीचर हैं, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो मैथमेटिक्स सिखाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल स्टडी, जैसे EVS पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ सिखाते हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो लोग कौन होते हैं, टीचर होते हैं। देखा है आपकी क्लास में कौन आते हैं, टीचर आते हैं ना पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है, तो वो टीचर जब आते हैं तो आपको नई नई चीज़ बताते हैं, मैथ के सवाल बताते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, EVS के बारे में बताते हैं, जनरल नॉलेज बताते हैं, तो बहुत सारी चीज़ आपको सिखाते हैं। दे ऑल्सो टीचर्स हाउ टू बी गुड पर्सन वेन वी ग्रो अप, ठीक है, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, जैसे ये हमें ये बताते हैं कि हमें अच्छा पर्सन कैसे बनना चाहिए, ठीक है। आगे मैनी पीपल, और भी लोग काम करते हैं ऑफिस के अलावा, जैसे प्यून है, ठीक है, प्यून वो है स्कूल में आपके ऑफिस वर्क के लिए काम आती हैं, आयाज जो हैं वो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए काम आती हैं, स्मॉल चिल्ड्रन को ध्यान रखने के लिए काम आती हैं, ठीक है, गार्डनर जो है वो आपके स्कूल गार्डन को मेंटेन करने के लिए काम आता है, ठीक है, वो स्कूल में आके आपके गार्डन को मेंटेन करते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो आपके स्कूल के बसेस जो हैं, ठीक है, उनमें बच्चों को लाने का और ले जाने का काम किसका होता है, ड्राइवर का होता है और कंडक्टर का होता है। कंडक्टर क्या काम करता है, वो बच्चों की केयर करता है कि कोई बच्चा कहीं और जाते नहीं रहा, ठीक है, ड्राइवर ड्राइव करता है, ओके, बाकी हम चीज़ कल डिस्कस करेंगे, ओके।